नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी जानना है ऑनलाइन एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे ओपन करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो दोस्तों अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप अगर ऑनलाइन कुछ भी आपको जैसे ऑनलाइन फॉर्म या ऑनलाइन पैन कार्ड या ऑनलाइन कुछ भी बनाते हैं तो आपको ऑनलाइन पैसा कटाने में बहुत ही आसानी रहेगा एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक एक ऐसा पेमेंट बैंक है जो आप उससे पैसा ले भी सकते हैं, पैसा आप उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मतलब विड्रॉ भी कर सकते हैं और रिसीव भी पैसा कर सकते हैं, और उससे रिचार्ज मोबाइल बिल ये सभी आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, बड़ी ही कोई भी दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं ऑनलाइन एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है माय एयरटेल ऐप। तो सिंपली आप उसे प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर उसे आप डाउनलोड कर चुके हैं तो सिंपली उसे ओपन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सिंपली ये रहा एप्लीकेशन, तो मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर अलाउ कर लेना हो, फिर से अलाउ कर लेना। अलाउ करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपली अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। सिंपली जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को अपने यहाँ पर इंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर ओटीपी को इंटर कर लेते हैं। यहाँ पर ये ओटीपी आ चुका है, मैं इसे सिंपली यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर माई एयरटेल पे यहाँ पर मैंने लॉग इन हो चुका हूँ। तो सिंपली यहाँ पर पेमेंट बैंक, अब ये इस पेमेंट बैंक पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद पेमेंट बैंक ओपन करता हूँ। एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं माय एयरटेल पेमेंट बैंक, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एयरटेल मनी ये देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग हो रहा है एयरटेल मनी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दी ई वैलेट ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक। तो सिंपली आप उसे यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर अपना पूरा डिटेल डालकर यहाँ पर सबमिट क्लिक करके सबमिट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं अपना नाम डेट ऑफ बर्थ, और उसके लिए आपको एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सिंपली आप आधार कार्ड को 18 साल होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर लेगा नहीं तो फिर बाद में हमें मत कहिएगा, तो फेक वीडियो ना कहे, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको 18 साल आपको होना चाहिए। 18 साल अगर हो जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। अगर 18 साल नहीं हुए तो उससे हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर 18 साल हो चुके हैं तो आप बड़ी ही आसानी से एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने भर चुका हूँ, प्रोसेसिंग यहाँ पर जारी है। तो प्रोसेसिंग जारी रहने के बाद यहाँ पर कुछ समय लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर इसके बाद लोडिंग लेने देंगे। अगर आप बीच में कट कर देंगे तो आपका लोडिंग नहीं होगा, फिर फेल्ड बता देगा। यहाँ पर एक एम पिन आपको जारी करना होगा। एम पिन कुछ भी डाल सकते हैं आप, अपना जो भी आपको अच्छा लगे वो एम पिन डालने के बाद यहाँ पर एक फिर से एक ओटीपी आएगा, उसे आप ओटीपी डालेंगे, फिर से आपका देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर रिचार्ज भीम यू पी आई, यहाँ पर माई एयरटेल पेमेंट बैंक 0 रुपये, यहाँ पर 1 GB, और पेमेंट बैंक पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन कार्ड। जैसे यहाँ ऑनलाइन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके नाम पर एक ऑनलाइन कार्ड बनकर आ जाएगा। सिंपली आप अपना पिन डालेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन कार्ड बनकर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन कार्ड बनकर आ चुका है। तो सिंपली इस कार्ड के माध्यम से आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसीव पेमेंट भी कुछ भी रिसीव कर सकते हैं, और यहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से इस एप्लीकेशन से आप कुछ भी कर सकते हैं। पेमेंट बैंक बहुत ही आसान तरीके से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑनलाइन एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करके आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आपने सीख ही लिया होगा कि कैसे एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करते हैं। तो मैंने बहुत ही आसानी से आपको बताया है एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश वीडियो के साथ। जय हिंद।